So we discussed about the concept of oxidation, right? So according to the concept of oxidation, if there is addition of oxygen or there is removal of hydrogen, then the process will be termed as oxidation. तो हम ये कहेंगे कि उस चीज की oxidation हुई है. Okay, right? And similarly for the reduction process, there is addition of hydrogen. इसका reverse हो जाएगा, जहां पर आपने hydrogen को add कर देना है. And there is removal of oxygen. और oxygen जो है वो क्या हो जाएगा? Remove हो जाएगा. Okay, so this is the process of reduction. And the agent, अब हम agents की बात करेंगे. What is oxidizing agent and what is reducing agent? जो agent दूसरों की oxidation करता है और खुद reduce हो जाता है, जो agent दूसरों की oxidation करता है and खुद reduce हो जाता है, वो कौन सा agent होता है बेटा? Yes, the agent that brings about the oxidation of other, तो वो oxidizing agent हो जाएगा, ठीक है? And the agent which bring about the reduction of the other और खुद oxidized हो जाता है, तो वो कौन सा agent हो जाएगा? Reducing agent, right? मतलब agent है, agent आपका कौन सा काम कर रहा है? आपको oxidize कर रहा है, ठीक है? तो वो oxidizing agent हो जाएगा. And secondly, अगर same agent जो है या दूसरा agent जो है वो दूसरों को reduce कर रहा है, ठीक है, तो उसका काम क्या है? Reduction करने का. Okay, so that will be the reducing agent. And it itself will get oxidized. Okay. Now, according to the second concept of oxidation, loss of electron is also oxidation. अगर कोई चीज electron loss कर रही है, तो भी उसकी क्या हो रही है? Oxidation हो रही है. Similarly, if anything is gaining of some electron, then that is also reduction. ठीक है? तो oxidation और reduction हम electrons की terms में भी express करते हैं. कि अगर किसी चीज ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं, राइट, तो दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और अगर किसी ने गेन किए हैं तो दैट इज अंडरगोइंग रिडक्शन. ओके, ये सेकंड कंसेप्ट है. अब आपको ये पता है कि रिडॉक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स हियर? रिडॉक्स मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. अगर मैं यहाँ पर वर्ड रिएक्शंस लगा दूं, तो इसका क्या मतलब होगा? कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड बाय साइड चल रही है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो साइड बाय साइड चल रही है, यानी कि एक जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इफ वन स्पीशीज इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, देन देयर विल बी अनदर स्पीशीज प्रेजेंट इन द सेम रिएक्शन which is going to gain that electron. ठीक है, तो वहीं पर उस रिएक्शन में दूसरी चीज होगी जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? गेन करेगी. ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं इन विच द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन प्रोसेस इट अकर्स साइमल्टेनियसली, इकट्ठा होता है. One species it gains electron and the other species it lose electron. For example, अगर मैंने NaCl का structure बनाना है, बिल्कुल simple है, okay? अब NaCl की formation हो रही है, तो मैंने Na ले लिया in the solid state, Cl2 आ जाएगा gaseous state में, they will be giving you NaCl as a solid. अब इसमें से आपने मुझे ये बताना है कि किस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है और किस चीज की रिडक्शन हो रही है. हाँ जी बेटा, विच थिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड विच थिंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो ये आप सबको कॉमन एग्जांपल है, पता है कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Na की क्या हो रही है? दिस इज ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन जो है Cl2 डेट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है. तो यू कैन सी इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दे आर अकरिंग साइड बाय साइड. ठीक है,
तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो इकट्ठी होती है, साइड बाय साइड होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपने मुझे बताना है कि इसमें से किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। तो दैट इज जिंक प्लस 2H पॉजिटिव। जिंक इज इन सॉलिड स्टेट एंड H पॉजिटिव इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्वस मीडियम। That is going to give you Zn2 positive plus H2. चलिए बेटा बताओ किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। Which thing getting oxidized and which thing is getting? Chat is enabled. Give your answer in the chat box. जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, यस अंजलि। तो आप क्लियरली देख सकते हो जो जिंक है दैट इज फॉर्मिंग Zn2 पॉजिटिव, न्यूट्रल से कैटायन में फॉर्म हो गया है, न्यूट्रल से कैटायन बन गया है, तो दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया यानी कि इसने गेन किया है, तो दैट इज रिडक्शन। ओके, सो इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस they are also known as redox reaction where the oxidation and the reduction process it occurs simultaneously, ikattha hota hai. Now according to the third concept, kal humne oxidation number discuss kiya tha, Saturday ko we studied about the oxidation number. Now according to the oxidation number method, what is oxidation method or what is oxidation process? In the oxidation process, there is increase in oxidation number. अगर तो आपका oxidation number जो है वो किसी की species का increase हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी क्या हो रही है, oxidation हो रही है। अगर same species का जो oxidation number है वो कम हो रहा है, if there is decrease in oxidation number, then the substance is undergoing which process? Reduction process. Okay, is it clear? According to the oxidation number method, what is oxidation and what is reduction? So if there is increase in the oxidation number, the thing is getting oxidized, and if there is increase in the oxidation number, तो आपकी जो चीज है वो क्या हो रही है, reduce हो रही है। हाँ जी बेटा, clear to this? क्लियर है यहां तक? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे हमने कैलकुलेट करना शुरू किया था। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क में दिया था H3PO4 एंड HNO3। हैव यू डन दैट? हैव यू डन द एग्जांपल ऑफ HNO3 एंड H3PO4? बताइए बेटा, यस नो? H3PO4 के केस में बताओ कितना है ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द फॉस्फोरस। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ फॉस्फोरस। So that is 3 plus x minus 4 to the 8, neutral atom hai, to 0 ke equal ho jayega. So this is x minus 5 is equal to 0, so this is x is equal to plus 5. So oxidation number in case of phosphorus in H3PO4 is plus 5. Similarly calculate for HNO3. HNO3 mein nitrogen ka nikal lo. HNO3 में नाइट्रोजन का निकालिए बेटा। HNO3 में नाइट्रोजन का फाउंड करो ऑक्सीडेशन नंबर।
दैट इज अगेन 5, ये 1 है, नाइट्रोजन का x है माइनस 6, 3 2 6, न्यूट्रल एटम है तो 0, x इज इक्वल टू प्लस 5, प्लस एंड माइनस लिखना जरूरी है बेटा, स्पेसिफाई करना जरूरी है। उसके बाद निकालिए KMnO4 में Mn का, KMnO4 में Mn का निकालो, मैंगनीज का, KMnO4 में मैंगनीज का निकालिए बेटा, सो दैट इज 7, वेरी गुड ख्याति। तो पोटेशियम का 1 है, मैंगनीज का x ले लेंगे क्योंकि हमने इसका निकालना है, ऑक्सीजन का -2 स्टेट है 8 के लिए, तो 4 2 8 हो जाएगा -8, न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो वी विल बी इक्वेटिंग इट टू 0, तो x -7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +7, ठीक है जी। तो KMnO4 में मैंगनीज की स्टेट है +7। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर K2Cr2O7, K2Cr2O7 के लिए कैलकुलेट करो, K2Cr2O7 के लिए कैलकुलेट कीजिए बेटा, फॉर क्रोमियम, हाँ जी बेटा क्रोमियम के लिए करना है, ठीक है, तो डेट इज 6, वेरी गुड ख्याति। सो पोटेशियम एक के ऊपर 1 है तो 2 लगे हुए हैं, +2 आ जाएगा, क्रोमियम का हमने निकालना है, बट 2 क्रोमियम लगे हुए हैं तो यहाँ पे हम 2x करेंगे, ठीक है, सिंस हियर 2 क्रोमियम एटम्स आर अटैच्ड, सो इट विल बी 2x -7 2 14 इज इक्वल टू 0, तो ये 2x -12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +6, ओके। सो कैलकुलेट फॉर SO42 नेगेटिव, नाउ कैलकुलेट फॉर SO42 नेगेटिव, कैलकुलेट फॉर SO42 नेगेटिव नाउ, SO42 नेगेटिव, हाँ जी बेटा क्या आंसर आया SO42 नेगेटिव का, SO42 नेगेटिव में सल्फर की आपने निकालनी है, कितना आंसर आएगा, यस गुरसिमर वेरी गुड। तो सल्फर का एक्स ले लेते हैं, 4 2 8 -8, अब ये 0 के इक्वल नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ चार्ज्ड स्पीशीज, ठीक है, तो नेट जो आपका चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू -2, सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू -2 + 8, सो एक्स इज इक्वल टू +6, प्लस एंड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखना जरूरी है बेटा, ओके, only 6 will not be accepted, you have to write down plus and minus also, okay, similarly calculate for FeCN6 3 negative, iska calculate karo FeCN6 3 negative, where CN negative ye aise hota hai, CN ke upar 1 negative charge hai, CN के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, पूरे CN पे, पूरे CN पे 1 नेगेटिव चार्ज है बेटा, सो गिव द आंसर फॉर FeCN6 3 नेगेटिव, हां जी बेटा निकालो,
आयरन की स्टेट निकालनी है, आयरन इज इन प्लस थ्री स्टेट, वेरी गुड. तो आयरन की स्टेट निकालनी है, दैट वी विल बी कंसीडरिंग एज एक्स. अभी मैंने आपको बताया है सीएन के ऊपर वन नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि यहाँ पे माइनस सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस थ्री. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस सिक्स, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री. तो यहाँ पे आयरन की क्या स्टेट है, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट है. सिमिलरली कैलकुलेट फॉर एम एन ओ फोर नेगेटिव, मैंगनीज की स्टेट निकालनी है, मैंगनीज की स्टेट निकालनी है एम एन ओ फोर नेगेटिव में. सिमिलरली फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एम एन ओ फोर नेगेटिव मैंगनीज की. वेरी गुड थे आपकी, डेट इज प्लस सेवन. एम एन आपने ले लेना है एक्स, फोर टू एट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वन. एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस एट एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस सेवन. तो मैंगनीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, प्लस सेवन. वेरी गुड. नाउ सिमिलरली फाइंड आउट, अगर आपको याद हो तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स बताया था CrH2O6 3 पॉजिटिव. डू यू रिमेम्बर दिस कॉम्प्लेक्स, डू यू रिमेम्बर दिस कॉम्प्लेक्स? अमोनिया के साथ बताया था, वॉटर के साथ बताया था, CrNH3. एक CoF6 3 नेगेटिव भी बताया था मैंने. ये कॉम्प्लेक्सेस बताए थे मैंने आपको, तो आपको मैंने वहां पर कहा था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं क्रोमियम की या कोबाल्ट की, ये आपको कैसे पता चलेगी, जब हम रिडॉक्स करेंगे, ठीक है. तो अभी हम रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर्स का कंसेप्ट कर रहे हैं, तो अभी आप कैलकुलेट करो. वेयर वॉटर इज न्यूट्रल, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एंड सिमिलरली NH3 ऑल्सो न्यूट्रल, ठीक है, इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपने लेना है जीरो. सिंस दे आर न्यूट्रल इन नेचर, जैसे ऑक्सीजन नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है. F के ऊपर वन नेगेटिव चार्ज है, तो F की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने माइनस वन लेनी. तो वैसे लगाओ और इनके आंसर्स बताओ मुझे, क्रोमियम की इन दोनों में क्या स्टेट है और कोबाल्ट की क्या स्टेट है. Apply this where water and ammonia is having zero oxidation state, and in this complex fluorine, since it forms F negative, तो इसकी oxidation number जो है वो minus one है. हाँ जी, जल्दी solve करो और मुझे chromium और cobalt की oxidation states बताइए बेटा. What oxidation states they are having in these three complexes? सो वेरी गुड, क्रोमियम की प्लस थ्री स्टेट्स हैं और कोबाल्ट की. व्हाट अबाउट कोबाल्ट? सो हियर इफ आई राइट इट, एक्स प्लस जीरो इंटू सिक्स इज इक्वल टू थ्री. तो x किसके इक्वल आ गया, प्लस थ्री के इक्वल आ गया. सिमिलरली फॉर दिस, इन दोनों का ये सेम है. अगर मैं इसका लिखूं तो x माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस सिक्स, x इज इक्वल टू प्लस थ्री, ठीक है. तो हम ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. ओके, अब आपको समझ आ गया उन कॉम्प्लेक्सेस में कैसे मैंने लिखी थी ऑक्सीडेशन स्टेट्स. हाँ जी, अंडरस्टूड नाउ? तो अब आपको वो सेम कॉम्प्लेक्स जब आपने अब पढ़ने हैं, तो आपने वैसे ही जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो कैलकुलेट करके देखनी है. नाउ कैलकुलेट फॉर NaBH4 में कैलकुलेट करो B की. NaBH4 में B की कैलकुलेट करो.
XeO2F2 में जीन ऑन की आपने कैलकुलेट करनी है। चलो इतनी करो पहले, कैलकुलेट दी। NaBH4 में बताइए बेटा बोरोन की, सो डेट इज प्लस 3, ठीक है। 1 plus X X माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो X इज इक्वल टू प्लस 3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की -1 स्टेट है बेटा, बीइंग हाइड्राइड इट इज प्रेजेंट, क्योंकि उसके साथ सोडियम लगा हुआ है, तो सोडियम को हमने प्लस देना है और बोरोन को हमने, सॉरी हाइड्रोजन को हमने -1 स्टेट में कंसिडर करना है, ठीक है। पढ़ा था ना NaH की केस में, तो हाइड्रोजन यहाँ पे एज हाइड्राइड बात करेगा, सो डेट्स वाई NaHBO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +3। फॉर XeO2F2 के लिए बताओ, XeO2F2 सो दिस इज X-4 राइट, -2 is equal to 0, so X minus 6 is equal to 0, X is equal to plus 6, ठीक है जी। तो इसमें ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है। अब आपका ये डाउट होगा माइट भी कि मैंने यहाँ पे इनको पॉजिटिव क्यों नहीं ट्रीट किया है, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ आते OF2 होता तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनना था, ठीक है। बट अभी ये किसी और के साथ अटैच है तो दोनों जो है वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो कर सकते हैं, बट जब वो दोनों ही प्रेजेंट हैं तो उसमें से एक को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, एक को नेगेटिव बनना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर वो दोनों ज़ीनॉन के साथ अटैच हैं तो यहाँ पर दे बोथ कैन बी एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ओके। अब इस केस में कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर फॉर C3O2, C3O2 के केस में निकालिए। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ C3O2 दैट इज 4/3। अब अभी तक हम होल नंबर्स में बात कर रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बात कर रहे थे, बट दिस इज द फर्स्ट केस वेयर वी आर गेटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर एज फ्रैक्शनल। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे चार्ज और वैलेंसी हमेशा होल नंबर होते हैं, इंटेग्रल होते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो फ्रैक्शनल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओके। सो द ऑक्सीडेशन नंबर दे कैन एग्जिस्ट इन फ्रैक्शंस आल्सो। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है C3O2 का, this is the structure of C3O2, right, where this carbon is bearing -2 charge due to presence of this oxygen, similarly is oxygen ke karan iska bhi -2 charge hai, par yahan par ye tino same hai isliye iska charge zero ho jata hai, theek hai। is wale carbon ka is wale oxygen ke karan -2 hai, इस वाले का इस ऑक्सीजन के कारण -2 है, सॉरी +2 कार्बन का +2 है, ओके। इस ऑक्सीजन का इन दोनों, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं है, तीनों सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इसका जीरो हो जाएगा। अब जब मैंने कैलकुलेट करना है तो मैं इन तीनों को प्लस करूंगी,
तो 2 + 0 + 2 एंड आई विल बी डिवाइडिंग विद 3, इन तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 4/3. तो आप सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3x - 4 = 0, x आपको देगा 4/3. ठीक है जी, तो दिस इज द केस ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर. सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट फॉर S4O6 2-. सिमिलरली लेट्स कैलकुलेट फॉर S4O6 2-. तो यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास 4 सल्फर एटम्स हैं. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं कि चारों के चारों सल्फर एटम्स हम ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, दे आर ज्वाइंड बाय सिंगल बॉन्ड. यहाँ पर इन दोनों के साइड पे डबल बॉन्ड हैं, राइट? तो 1, 2, 3, 4 सल्फर लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ S4O6 2-. अब आपने जैसे मैंने बताया है वैसे ही सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है. हाँ जी, जैसे मैंने बताया है आपको वैसे ही इस सल्फर की और इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, क्योंकि इन दोनों की तो 0-0 है. These both sulfurs, they will be having the zero oxidation state, क्योंकि electronegativity difference नहीं है. इनका देख लेते हैं, x -2 - 4 - 6, but इसके साथ 1 negative charge भी लगा हुआ है, तो -1. तो x - 1 + 6 x = +5. तो इस सल्फर के ऊपर +5 है, सिमिलरली इस सल्फर के ऊपर कितना होगा, +5 होगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द चार्ज, दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन बोथ ऑफ द सल्फर. ठीक है, तो आपके पास चार सल्फर लगे हुए हैं, तो चारों के चार्जेस को प्लस करो और डिवाइड करो 4 के साथ. So 5 + 5 / 4, that is going to give you 10/4 is 5/2. Again here you are getting the state of 5/2. तो अगर आप वैसे भी उसका कैलकुलेट करो तो सेम आ जाएगा, 4x - 12 = -2. ठीक है, 4x = 10 एंड x = 10/4. तो अगेन यू विल बी गेटिंग फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर. अगेन यू विल बी कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर. सिमिलरली लेट्स कैलकुलेट फॉर Br3O8. Similarly, we are having the third example of fractional oxidation number Br3O8. ठीक है, 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं. अब 3 ब्रोमीन लगे हैं, पहले अटैच कर लेते हैं. They must be attached by the single bond. अब उसके बाद आपने 8 ऑक्सीजन अटैच करने हैं. ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है एंड 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है. So we are having the 2 ऑक्सीजन अटैच्ड नाउ, राइट? बाकी जो है वो ऐसे अटैच है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8. सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज 16/3. वेरी गुड अंजलि. ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 16/3 है. वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करो तो ये +6 आएगा. ओके, इसका कितना आ जाएगा बेटा, Br वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +4 आएगी इन दोनों के कारण. अगेन दिस इज +6, तो 6 × 6 = 12, 12 × 6 = 18. तो 18 / 3. ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 है और ये 16, तो दिस इज 16/3. ठीक है जी, तो वैसे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3x माइनस
a2 is 16 is equal to 0, so 3x is equal to 16, x is equal to 16 by 3. ठीक है, तो मैंने आपको दोनों वे से कैलकुलेट करना बता दिया है, अकेला अकेला जब आप स्ट्रक्चर बना के करोगे या सिंपली जो मैंने आपको बताया हुआ है रूल के। ठीक है, नाउ डू वन होमवर्क, एक स्ट्रक्चर आपको होमवर्क में देती हूँ मैं। CrO5 CrO5 यहाँ पर आपने क्रोमियम का निकालना है। मंजोत 16/3 आ रहा है बेटा, ऑक्सीजन सारी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो -16 आएगा। आप यहाँ पे +16 लगा रहे होंगे, वो तभी माइनस दे रहा है आपको। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है जी, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब सा है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना बता देती हूँ। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये दोनों होती है पेरोक्साइड लिंकेज, चलो कल कर लेंगे।